तेज प्रताप यादव ने जहानाबाद से आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। तेज प्रताप यादव ने बगावती तेवर दिखाते हुए जहानाबाद से आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ उतरे चंद्रप्रकाश यादव के लिए रोड शो कर वोट मांगे। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने राजकोट में छात्रों को मतदान के बारे में जागरूक किया और उनसे वोट डालने की अपील की। हरियाणा के पंचकुला में चुनाव आयोग की टीम ने जांच के समय एक आदमी से 7.5 लाख रुपए बरामद किए। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी पर सेना का नाम लेकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ की धमतरी में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि जल्द ही राज्य से नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रैली कर वोट मांगेंगे। बिहार के गया और औरंगाबाद में पहले चरण की वोटिंग से पहले बम मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि सुरक्षा बल ने नक्सलियों की इस साजिश को नाकाम कर दिया, जिसके बाद लोग बेखौफ होकर मतदान कर पाए। बम मिलने की पहली सूचना गया के डुमरिया में एक पोलिंग बूथ के पास मिली। नक्सलियों ने इस बम को जमीन में दबाकर रखा था, लेकिन सुरक्षा बल ने बम को बरामद कर डिफ्यूज कर दिया। वहीं नक्सलियों ने दूसरे बम को इमामगंज इलाके में एक पुलिया के नीचे लगाया था, जिसकी खबर मिलने के बाद बम नाकाम करने वाले दस्ते को बुलाया गया। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में जहां पर आईडी मिलने की सूचना है, आईडी मिली है। उधर औरंगाबाद में भी सुरक्षा बल को एक पोलिंग बूथ के पास दो बम मिले, जिनको वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया गया। एक बूथ के पास मिला था, उसको भी डिफ्यूज कर दिया गया, मतदान शुरू हो गया, कहीं कोई दिक्कत। गया और औरंगाबाद समेत राज्य की 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के तहत वोट डाले गए। देश में 3 सबसे चर्चित नेताओं में पीएम मोदी नंबर 1 पर हैं। पहले चरण की वोटिंग के बाद ट्विटर इंडिया ने राष्ट्रीय नेताओं की सूची जारी की है। इस सूची के मुताबिक पीएम मोदी सबसे ज्यादा चर्चित नेता हैं। तो वहीं अमित शाह इस सूची में दूसरे और योगी आदित्यनाथ तीसरे नंबर पर हैं। ट्विटर इंडिया की सूची में राहुल गांधी चौथे जबकि प्रियंका गांधी 5वें नंबर पर हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बीजेपी का आरोप है कि वहां मौजूद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कुछ मतदाताओं को अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद पोलिंग बूथ के बाहर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पोलिंग बूथ में तोड़फोड़ करने की कोशिश भी की। वहां 2 पुलिस वाले भी दिखे, जिन्होंने हंगामे को रोकने की कोशिश भी नहीं की। लोगों का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं और कुछ वोटरों को अंदर जाने से रोका, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। कुछ और पोलिंग बूथ से भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की खबरें आईं। बताया गया कि बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रमाणिक और उनके समर्थकों को पोलिंग बूथ में जाने से रोक दिया गया, जिसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ही लगा। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रमाणिक और उनके समर्थकों की टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर बहस भी हुई। वहां सुरक्षा में तैनात जवानों ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक हंगामा चलता रहा। आखिरकार निशित प्रमाणिक अपने समर्थकों के साथ वहां से लौट गए। वहीं एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार गोविंद रॉय की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। गनीमत ये रही कि इस हमले में किसी को चोट नहीं पहुंची, लेकिन कूच बिहार के एक और इलाके में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के लोगों पर हमले का आरोप लगाया। कूच बिहार से टीएमसी के उम्मीदवार परेश अधिकारी मैदान में हैं, जिनको हाल ही में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए निशित प्रमाणिक टक्कर दे रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में बीजेपी नेता भंवर सिंह और नवीन शर्मा के बीच माइक पर बोलने की बात पर विवाद हो गया, जिससे खपा भंवर सिंह के समर्थकों ने नवीन शर्मा की पिटाई कर दी। हंगामा तब हुआ जब अजमेर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार भागीरथ चौधरी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस बीच मंच पर माइक पर बोलने की बात पर भंवर सिंह और नवीन शर्मा के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद भंवर सिंह के समर्थकों ने नवीन शर्मा के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोग नवीन शर्मा को बचाने की कोशिश करते दिखे। इसी बीच काली शर्ट पहने एक और आदमी ने उन पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। उसने जबरन मेरे साथ हाथापाई की और उसके साथ 5 असामाजिक तत्व थे। मारपीट के बाद नवीन शर्मा ने भंवर सिंह पर बीजेपी के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते। अजमेर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाड़िया की चुनाव आयोग से शिकायत की। गुजरात बीजेपी ने कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाड़िया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की। बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अपना वोट डाला।
उत्तराखंड के टिहरी में 100 साल से ज्यादा उम्र की दो महिलाओं ने मतदान के बाद लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के पौड़ी में मतदान किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक आरएसएस नेता की आतंकी हमले में हुई मौत के मामले में पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया, जिसने आतंकियों के 3 समर्थकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। महाराष्ट्र के नागपुर में लोग 44 डिग्री के तापमान में भी बड़ी संख्या में मतदान के लिए पहुंचे। अमेरिका के ओरेगॉन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में कई इलाके डूब गए, जिसके बाद 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने एक आपात बैठक के बाद इशारों में अमेरिका समेत उन देशों को गंभीर झटका देने की शपथ ली जो प्रतिबंधों के जरिए उनके शासन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास हुए ब्रिज हादसे में घायल एक और महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 7 पहुंच गया। दिल्ली के किराड़ी में एक पुरानी इमारत के ढहने से 5 लोग घायल हो गए। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर विजेता अभिनेता जेफरी रश ने एक अखबार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा जीत लिया, जिसने उन पर एक अभिनेत्री से बदसलूकी का आरोप लगाया था। चीन के हेनान प्रांत में एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने की वजह से 4